श्री राधे, मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का एवं सभी श्रोताओं का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं जो आप लोगों के लिए उपाय बताने जा रहा हूँ, ऐसा आज का वशीकरण का उपाय बताने जा रहा हूँ जो प्रेमी प्रेम का एक दूसरे से अलग हो गए। पहले एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, पति पत्नी जिनमें पहले में एक दूसरे में बहुत प्रेम था, अब अलग हो गए, कहीं उनका मन भटक गया, किसी और के चक्कर में वो पड़ गए हैं। आज का यदि आपने उपाय जो ध्यान से सुन लिया और ध्यान से कर लिया, तो निश्चित ही जिसके लिए आप उपाय करेंगे, देखो, प्रेमी प्रेमिका के लिए कर सकता है, प्रेमिका प्रेमी के लिए कर सकती है, पति पत्नी के लिए कर सकता है, पत्नी पति के लिए कर सकती है, और कोई नॉर्मल व्यक्ति ना करें, केवल जो एक दूसरे को चाहने वाले व्यक्ति हैं वही इस उपाय को करें, और कोई इस उपाय को ना करें। बहुत ही अद्भुत वशीकरण का उपाय है। आजकल आपने देखा होगा कि पहले पति पत्नी में बहुत प्रेम होता है, बहुत ज्यादा प्रेम होता है, फिर एकदम से बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं। कभी कभी ये भी होता है कि पति कहीं और दूसरी जगह लग गए, कभी कभी पत्नी दूसरी जगह लग जाती है, कहीं दूसरे से अफेयर चलने लगता है, कभी प्रेमिका का दूसरी जगह अफेयर चलने लगता है, या प्रेमी का दूसरी जगह अफेयर चलने लगता है। इन स्थितियों में आप इस उपाय को करिए तो वो आपके पास आ जाएगा और आपके इशारों पर नाचने लगेगा, ऐसा प्रेम बढ़ जाएगा। इशारों पर नाचने का मतलब है कि इतना प्रगाढ़ प्रेम आप दोनों के बीच में बढ़ जाएगा कि फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बहुत ही तगड़ा वशीकरण का उपाय है और इससे कोई हानि भी किसी को नहीं होनी है। अब ध्यान से सुनिए, देखिए, वशीकरण तो आप करते ही हैं, पर वशीकरण के साथ साथ प्रेम भी देना बहुत आवश्यक होता है। एक केवल आप वशीकरण के ऊपर ही वो मत हो जाएगा, वशीकरण कर देने, प्रेम से सींचिए उस वशीकरण को, ये बहुत आवश्यक होता है। जो आपने वशीकरण कर रहे हैं वो तो आप कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ प्रेम भी आपको अत्यधिक देना है जिसके लिए आप वशीकरण कर रहे हैं। आपका वशीकरण और प्रेम जब दोनों साथ में मिलेंगे तो वो आपके चंगुल में आ जाएगा और आपके इशारों पे नाचेगा, आपके प्रेम पे नाचेगा और जीवन भर आपके साथ रहेगा, आपको छोड़कर भी कभी वो जाएगा नहीं। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। उपाय बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो मुझे तुरंत कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। देखिए आपको करना क्या है, ये उपाय आपको प्रत्येक शुक्रवार वाले दिन करना है। शुक्रवार वाले दिन एक आसन ले लीजिए, आसन में बैठ जाइए और मैं आपको एक मंत्र बताने जा रहा हूं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मंत्र मिल जाएगा, बहुत छोटा सा मंत्र है, किसी भी माला से आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। माला यदि आपके पास ना हो तो आप माला हमारे यहाँ से प्राप्त भी कर सकते हैं, यदि आपके घर पे माला हो तो आप उस माला से इसका जाप कर सकते हैं। मंत्र ध्यान से सुनिए, ओम कामस्त्राय फट, ओम कामस्त्राय फट। इस मंत्र का आपको कम से कम एक स्वाट, मतलब एक माला, एक स्वाट बुढ़िया होते हैं, एक माला में एक माला आपको करनी करना है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप दो तीन चार माला कर सकते हैं। अब माला करना कैसा है ये सुनिए, आपको देखिए आप आसन बैठ जाएंगे, अब जिसके लिए भी आप वशीकरण करना चाहते हैं उसका पहले आप नाम सिमर ले मन में कि मैं इसके लिए वशीकरण करना, उसका मन में ध्यान कर ले उस नाम को जिसके लिए वशीकरण करना चाहते हैं, उसी नाम को ध्यान में रखते हुए आपको ओम कामस्त्राय पट, ओम कामस्त्राय पट इस माला का जाप करना है, ठीक है। ये आपको प्रत्येक शुक्रवार एक माला करनी है, डेली नहीं करनी, प्रत्येक शुक्रवार को एक माला कम से कम आप करिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दो चार ही शुक्रवार बीतेंगे, आप जिसके लिए आपने किया है प्रयोग वो आपके पास खिंचा चलाएगा, खिंचा चलाएगा, आपके प्रेम में पड़ जाएगा और आपके फिर उंगली पे नाचेगा, माने जो प्रेम आपका पहले से था, जो प्रेम आप दोनों के बीच पहले से था उससे ज्यादा प्रेम बढ़ जाएगा और ज्यादा प्रगाढ़ता आपके प्रेम में आ जाएगी और जीवन भर फिर वो आपके साथ रहेगा। पर वशीकरण के साथ साथ आपको प्रेम भी दिखाना है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए। इसके साथ साथ आप हमारे यहाँ से वशीकरण यंत्र भी अवश्य ले लीजिए, वशीकरण यंत्र हमारे यहाँ से मंगा लीजिए जो प्राण प्रतिष्ठित है, अभिमंत्रित है, सिद्ध है। वशीकरण यंत्र की पूजा करिए और इस मंत्र का आप जाप करिए, देखिए फिर आप जो चाहेंगे, आपका पति हो, पत्नी हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, सब आपके वश में होंगे और आपके जीवन में आनंदी आनंद आ जाएगा। मेरी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ है, आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, आनंद में रहें। राधे राधे।